नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। एक बेहतर कल की उम्मीद में संघर्ष तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या ये ख्याल रखते हैं कि आने वाला कल गुजरे हुए कल का हिसाब चुकता करता है? साहब, 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 मेरी बेटी कल रात से लापता है साहब। बैठिए, आराम से बैठिए। पहले कल रात से उसका फोन नहीं लग रहा। मैंने बहुत मिलाया, यहां वहां ढूंढा भी, लेकिन कहीं नहीं मिली साहब। उसकी फोटो है आपके पास? जी, पारुल नाम है इसका। ये मोबाइल फोन रखती है अपने पास? जी साहब। नंबर दीजिए जी। 9 8 2 4 6 8 6 3। उसकी उम्र, रंग, कद सब कुछ लिखवाइए। उम्र 19 साल, रंग गोरा, कद 5.5-5.5 फुट होगा साहब। पहन के रखा था उसने? सलवार सूट ही पहनती है। पारुल के घर के आसपास पूछताछ करो, शायद कोई इंफॉर्मेशन हाथ लगे। सर, इसे जानती हैं? साहब पारुल, पर ये राजेंद्र भाई की बेटी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है मतलब? साहब, राजेंद्र भाई पारुल को अपनी बेटी की तरह मानते थे, और कविता बोल रही थी कि पारुल राजेंद्र भाई के दोस्त की बेटी है। कविता? कौन है कविता? साहब, राजेंद्र भाई की बीवी, वो तो खुद 23-24 साल की है। उसकी बेटी पारुल कैसे हो सकती है? उसकी तो खुद की 6-7 साल की अपनी बेटी है। माँ के पास जाना है। आयुषी बेटा, माँ के पास ले चलो। अरे आयुषी बेटा, चुप चुप, माँ के पास ले मेरा बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा, माँ के पास ले चलो ना। हाँ मम्मी आएंगे ना बेटा, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे ले चलो। हाँ बेटा जाएंगे, मम्मा के पास जाएंगे। चलिए, आपने कुछ खाया है कि नहीं? हाँ हाँ, लेके जा रहे हैं, आइए। हाँ हाँ, रो मत, लेके जाएंगे। यस यस, आयुषी भी मेरी बेटी है और पारुल भी। पारुल मेरी पहली बीवी से है और आयुषी दूसरी से। मेरी पहली बीवी का देहांत हो गया था, इसलिए पारुल को यहाँ ले आया। अभी है कहाँ तुम्हारी दूसरी बीवी? पता नहीं। पता नहीं मतलब? कविता का रहना ना रहना एक बराबर है, वो घर में नहीं टिकती। कई कई दिनों तक तो घर वापिस नहीं आती। क्यों, कहीं पर जॉब करती है क्या वो? पास में एक ब्यूटी पार्लर में, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं है साहब। साहब, मोहल्ले वाले अपने घर के मर्दों को कविता के साए से बचा कर रहते थे, ऐसी औरत का क्या भरोसा, कब किसको फंसा ले। कल मैंने कविता को फोन करके बोला कि पारुल मिल नहीं रही है, वो घर आके आयुषी को संभाल ले ताकि मैं पारुल को ढूंढ सकूं, लेकिन उसने मेरा फोन काट दिया। नंबर दीजिए कविता का। 9 8 2 4 5 3 7। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। उसका फोन तो स्विच ऑफ है, भाग गई होगी किसी के साथ। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन से ब्यूटी पार्लर में काम करती है वो? सर आज कविता आई ही नहीं। कल आई थी? आई थी, लेकिन शाम को 6 बजे के आसपास आई थी। पारुल से आखिरी बार बात कब हुई है? कल शाम फोन पे करीब 4:30 बजे बात हुई थी। हाँ बिटिया, मेरी अपने दोस्त से बात हुई है। हाँ 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 हाँ, वो 2-4 दिन में तेरा किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा देगा। ठीक है बाबा। कहाँ है तू? मैं आयुषी को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। हाँ पारुल आयुषी को ट्यूशन के लिए छोड़ने आई थी, लेकिन उसको लेने के लिए नहीं आई। तो फिर लेने कौन आया था? कोई नहीं आया। फिर मैंने पारुल को फोन किया, पारुल का फोन बंद जा रहा था, तब मैंने कविता को फोन मिलाया, कविता ने मेरा फोन नहीं उठाया। रात को खुद आयुषी के पापा राजेंद्र जी उसको लेके गए। अच्छा, पारुल आयुषी घुल मिल गई थी, ये तो ठीक है, लेकिन आपने कविता से झूठ क्यों बोला कि पारुल आपके दोस्त की बेटी है? कविता के लिए सब झूठ एक बराबर है, उसे ना मेरी फिक्र है ना आयुषी की। और वैसे भी सोचा कि पारुल शादी के लायक हो गई है, 1-2 साल में उसे विदाई करना है, तो कविता को सच बताकर घर की शांति क्यों भंग करूं? हो सकता है कविता को अब इस झूठ का पता चल गया हो। कल वो शाम 6 बजे के बाद आई, इसकी कोई खास वजह? सर कल उसकी 2 बजे तक की छुट्टी थी, लेकिन शाम तक वो आई नहीं, लेकिन 6 बजे के आसपास वो आ गए, तो काफी अफरा तफरी में थी। सॉरी लेट हो गए। 2 बजे का बोला था और 6 बजे आई है। आज पगार का दिन है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन कल से एकदम टाइम टू टाइम आ जाऊंगी। काम ठीक से करती नहीं है, लेकिन पगार का बराबर याद रहता है। जा भी काम कर, छुट्टी के टाइम ही पगार मिलेगी, जा भी देख के रहिए। वो सोच रही थी पगार लेके निकल जाएगी, लेकिन मैंने उसे काम पे लगा दिया। उसका फोन बार बार बज रहा था, लेकिन उसने उठाया नहीं।
काफी देर के बाद उसने कॉल रिसीव की। फोन पे बात करने के बाद गिड़गिड़ाने लगी कि उसे घर जाना है। मैंने उसे पगार दी और वो चली गई। को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास के एरिया में सर्च करो। सब वो हमारी बेटी पारुल नहीं है, हमारी बेटी मर नहीं सकती साहब। हम तो यही चाहेंगे कि पारुल सही सलामत हो। फिर भी आपका और डेड बॉडी का डीएनए मैच करके देख लेते हैं। चिरके आइए। जाइए। चलिए। सब बोरीवली रेलवे ट्रैक पे जो लाश मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। हत्या गला घोंटकर की गई है। और सर उस शाम 8 बजे कविता को गोरेगांव के एक पीसीओ से कॉल आया, लेकिन राजेंद्र का फोन उसने ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद 8:15 बजे उठाया। सर राजेंद्र के इस बयान में भी सच्चाई है कि कविता अच्छे चरित्र की नहीं थी, क्योंकि उसको शहर के अलग अलग पीसीओ से अक्सर कॉल आते थे। सर हो सकता है कि कविता नहीं चाहती थी कि राजेंद्र को उसके लवर्स का पता चले, इसलिए उसने अपने लवर्स से पीसीओ से कॉल करने के लिए बोला। लेकिन कामत, हमें जानना ही है कि कविता के अफेयर्स का पारुल के गायब होने से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन हो सकता है सर, पारुल ने आयुषी का शाम 4 बजे ट्यूशन छोड़ा लेकिन लेने नहीं पहुंची, और फिर जब ट्यूटर ने कविता को फोन किया लेकिन कविता ने फोन नहीं उठाया, और ठीक शाम 5:30 बजे जब पारुल का फोन ऑफ होता है तब उसके फोन की लोकेशन उसके घर वाले एरिया की थी, और वहीं पे कविता 6 बजे तक ब्यूटी पार्लर नहीं पहुंचती है, लेकिन उससे पहले उसके फोन की लोकेशन उसी एरिया की थी जहां पे पारुल का फोन ऑफ होता है। राजेंद्र के घर जाओ फौरन। सर बेटा पापा को काम पे जाना है ना, आप उषा ताई के साथ जाओ और देखो इन्हें परेशान मत करना। मम्मा भी आएगी शाम को बेटा। चल बेटा। साहब आप पारुल का कुछ पता चला? चाबी निकालिए। जी चाबी दीजिए मेरे को। पूरा घर चेक करो, तुम उधर जाओ। कविता भले ही तिरिया चरित्र थी लेकिन उसका पारुल से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो तो पारुल के आने से खुश थी। वो कैसे? कविता एक नंबर की आलसी थी और पारुल ने आते ही घर का काम काज और रसोई सब संभाल लिया था। सर कुछ नहीं मिला। सर मैंने राजेंद्र का घर अच्छी तरीके से चेक किया लेकिन किसी तरह के ब्लड स्टेन या मर्डर का कोई भी क्लू नहीं मिला। सर मैंने राजेंद्र का घर अच्छी तरीके से चेक किया लेकिन किसी तरह के ब्लड स्टेन या मर्डर का कोई भी क्लू नहीं मिला। पारुल और कविता का अचानक गायब हो जाना यह संदेह खड़ा कर रहा था कि शायद कविता पारुल की हत्या करके फरार हो गई है, और कविता के चरित्र से जुड़े खुलासे भी इस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। लेकिन रेलवे ट्रैक के पास मिली डेड बॉडी का डीएनए पारुल के पिता के डीएनए से मैच नहीं हुआ था। अगर वो बॉडी पारुल की नहीं है तो पारुल के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो अचानक लापता हो गई, और ये कविता के गायब होने का क्या राज है? सर पारुल के कॉल रिकॉर्ड्स में एक अंकित नाम के लड़के का भी नंबर है और इन दोनों के बीच में अक्सर कॉल होते थे। सर अंकित का ये नंबर बिहार का है लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये नंबर मुंबई में एक्टिव है। ये देखिए सर। लेकिन सर गौर करने वाली बात यह है कि पारुल का यह नंबर उसके पिता राजेंद्र के नाम पे तो रजिस्टर्ड है ही, लेकिन राजेंद्र के दिए गए नंबर के अलावा एक और नंबर पारुल के रिकॉर्ड में है, वो भी राजेंद्र के नाम पे रजिस्टर्ड है और पारुल अक्सर इस नंबर पे भी कॉल करती थी। सर पारुल का मोबाइल अजमेर में कुछ देर के लिए ऑन हुआ था।
ये वही नंबर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अजमेर से पारुल के फोन से इसी नंबर पर कॉल हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कामत कि इस कॉल रिकॉर्ड में कविता और अंकित के फोन नंबर के अलावा तीन नंबर ऐसे हैं जो राजेंद्र के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक वो नंबर जो पारुल यूज करती थी जो अभी अजमेर में ऑन हुआ है, दूसरा राजेंद्र का अपना नंबर जो वो खुद इस्तेमाल करता है, और तीसरा वो नंबर जिस पर अभी अजमेर से कॉल हुआ। ये नंबर कौन इस्तेमाल करता है? सर, पारुल के पिता राजेंद्र जी आए। साहब, अभी पारुल का फोन आया था लेकिन उसकी आवाज नहीं आई, और जब हमने उसे फोन किया तो उसका फोन बंद था। हमें पारुल की बहुत फिक्र हो रही है साहब। वो नंबर अजमेर में एक्टिव था, वहीं से कॉल हुआ। पारुल अजमेर क्यों जाएगी साहब? ये तो हमें आप बताइए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। समझ में तो हमें भी एक बात नहीं आ रही। आपने हमें जो अपना नंबर दिया था वो अलग है, लेकिन अभी अजमेर से जो कॉल हुआ वो अलग नंबर पर कॉल हुआ। जी साहब, ये मेरा दूसरा नंबर है। दरअसल पारुल के पास मुंबई की आईडी नहीं थी, मैंने उसे अपनी आईडी से सिम खरीद कर दिया तो अपने लिए एक नया सिम ले लिया। क्यों? हम इलेक्ट्रिशियन हैं साहब, ये हमारे पुराने नंबर पर बराबर से नेटवर्क नहीं आता, इसलिए हमने ये नया नंबर लिया ताकि इस नंबर पर फोन ना लगे तो पार्टी दूसरे नंबर पर कॉल कर सके और काम हाथ से ना जाए। साहब, ये अंकित कौन है? पारुल का मंगेतर है साहब। अंकित बहुत अच्छा लड़का है साहब, जब से पारुल गायब हुई है अंकित बहुत परेशान रहता है। अभी है कहाँ अंकित? मुंबई में ही है। देखिए, हम कह रहे हैं ना, आप चिंता मत ही कीजिए। हम अपने चाचा को फोन करते हैं और कहते हैं कि अपनी पार्टी का अजमेर शाखा में कोई कनेक्शन निकालें और अपने किसी कार्यकर्ता को पारुल की तलाश में लगा दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम आपसे बाद में बात करते हैं, कोई आया है? जी जी बिल्कुल, खैरियत। सर, पारुल की माँ के गुजरने के बाद पारुल मुंबई आ गई, तो हमने सोचा कि हम भी मुंबई आ जाते हैं, कोई काम ढूंढेंगे यहाँ पर और पारुल से शादी भी कर लेंगे। अजमेर में ऐसा कोई है जिसे पारुल जानती हो? नहीं सर। तुम आखिरी बार कब मिले थे पारुल से? करीबन एक हफ्ता हो गया सर। गेटवे ऑफ इंडिया चलोगे मेरे साथ? रात को बहुत खूबसूरत लगता है। नहीं, पापा ने कहा था कि रात होने से पहले घर आ जाना, और तुम हमें रात को घुमाना चाहते हो। हाँ तो अपने पापा को फोन करके बोल दो, कोई गैर थोड़ी ना है, वैसे भी हम तुमसे शादी करने वाले हैं। अच्छा, नौकरी ढूंढ ली है? नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मिल जाएगी जल्दी। तो ठीक है, तुम नौकरी ढूंढो, तब तक हम अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगे और उसके बाद शादी कर देंगे। तब तक मेल मुलाकात सिर्फ दिन में, ठीक है? हम चलते हैं। पारुल की सौतेली माँ कविता के बारे में उसने कभी कुछ बताया तुम्हें? कभी कभी बात करती थी वो उनके बारे में। क्या बात करती थी? पारुल, पारुल बेटा, पारुल। सर, अभी पारुल का फोन फिर से अजमेर में ऑन हुआ है, पर लोकेशन दूसरी थी, और इस बार भी राजेंद्र के नए नंबर पर कॉल हुआ है सर। राजेंद्र को फोन लगा? हाँ सर, उसका फोन आया था लेकिन उठाते ही कट गया। सर, मैंने अजमेर पुलिस को दूसरी लोकेशन के बारे में अपडेट कर दिया है, पर पारुल का फोन जिस लोकेशन पर पहले ऑन हुआ था वहां से कोई लीड नहीं मिला सर। ये बात तो तय है कामत, ये फोन पारुल नहीं, कोई और कर रहा है। सर, हो सकता है ये कविता हो। पता लगाओ कविता का अजमेर से क्या कनेक्शन है। वो वाकई में पारुल का मर्डर करके अपने किसी आशिक के साथ भागी है, या फिर कहानी कुछ और है? सर, गोरेगांव के जिस पीसीओ से कविता को आखिरी बार कॉल हुआ था वहां आसपास में कोई सीसीटीवी नहीं है, और किसने कॉल किया था उसका भी कोई क्लू नहीं मिला है सर। मुंबई के जिन जिन पीसीओ से कविता को फोन हुए थे हर जगह पूछताछ करो, और कविता को जिन जिन लोगों के साथ देखा गया था सबका स्केच बनवाने की कोशिश करो। और हाँ, ये भी पता लगाओ कि कविता का कोई दूसरा नंबर तो नहीं है। पारुल अजमेर गई या फिर सिर्फ पारुल के नंबर को अजमेर ट्रैवल करवाया गया? इस पहेली को समझने के लिए हमें कविता से जुड़े सभी लोगों का पता लगाना होगा। पारुल के फोन से किए गए ब्लैंक कॉल्स वाकई कविता द्वारा किए गए थे, ये पता लगा पाना फिलहाल मुश्किल था। कविता के कई अफेयर्स के बयान तो सामने आए थे, लेकिन वो अपने किस प्रेमी के साथ फरार थी ये पता लगाना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई एक प्रेमी नहीं था। लेकिन ये माना जा रहा था कि इन अपराधों में कविता के किसी न किसी लवर का भी हाथ हो सकता है, जिसका पता करने के लिए एक तरफ मुंबई पुलिस उन लोगों का पता लगा रही थी जिनका कविता से अफेयर हो सकता था, वहीं दूसरी तरफ अजमेर पुलिस भी इस केस से जुड़ी इंफॉर्मेशन जुटाने का प्रयास कर रही थी। सर, कविता के दूसरे किसी नंबर का तो पता नहीं चला, लेकिन ये उन आदमियों के फोटोग्राफ्स और स्केच है जिन्होंने कविता को पीसीओ से कॉल किया था।
और सर ये उस आदमी का स्केच जिसको पिछले दिनों कविता के साथ देखा गया। सर मैंने ये फोटोग्राफ्स और स्केच उस गोरेगांव वाले पीसीओ ओनर को दिखाया है जहाँ से कविता को आखिरी बार कॉल हुए थे, लेकिन पहचान नहीं हो पाई सर। कैसे भी करके इनकी पहचान करो। और हाँ, जिस दिन पारुल और कविता गायब हुए हैं उस दिन अजमेर रूट पर जाने वाली सभी ट्रेन का रिजर्वेशन डेटा निकलो। सर सर मुझे नहीं पता कविता अजमेर में है या मुंबई में, मेरे तो उससे बात हुए कई महीने हो चुके हैं। मान लेते हैं तुम्हें नहीं पता, लेकिन मोबाइल होते हुए भी कविता को पीसीओ से फोन क्यों करते थे? सर एक बार कविता के पति ने मुझे और कविता को मार्केट में देख लिया था, पर मार्केट में उसने मेरी पिटाई की। सर बहुत ही शक्की इंसान है वो। उसका पति शक्की है? तुम बड़े चरित्रवान हो। सर देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, वो हम केवल अच्छे दोस्त थे सर। तो तुम्हारी इस दोस्ती के बारे में तुम्हारी बीवी को पता है? ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू सर। सर जिस रात पारुल लापता हुई उस रात 11:15 जयपुर दुरंतों में कविता, उसकी बेटी आयुषी और किसी मनीष के नाम पे टिकट बुक थी। मनीष? वो कमीनी मनीष के साथ? इनमें से कौन है मनीष? ये वो कमीना, दोस्त है हमारा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो हमारी पीठ पीछे हमारी बीवी के साथ अजमेर। पारुल, पारुल बेटा, पारुल, साहब हमारी पारुल को बचा लीजिए, साहब हमारी पारुल को बचा लीजिए, हमें बहुत फिक्र हो रही है उसकी। साहब पारुल के लौट आने की उम्मीद उसके पिता ने अब तक जिंदा तो रखी थी, लेकिन अब ये उम्मीद दम तोड़ रही थी। पुलिस जब मनीष के घर पहुंची तो पारुल की हत्या का संदेह आखिरकार प्रमाण में बदल गया। बेटा, हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, तुम्हें और तुम्हारी मां को छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त हो गए। हमें एक मौका दे दो, हम तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाएंगे। पारुल ने अपने पिता को उनकी भूल सुधारने का मौका तो दिया, लेकिन जिंदगी ने उससे जीने का मौका छीन लिया। पारुल की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने कविता और मनीष की तलाश तेज कर दी। सर पारुल के पिता ने जो मनीष का नंबर दिया था वो भी हत्या वाली रात से बंद है। अजमेर पुलिस से कहो कि मनीष और कविता की तलाश तेज कर। सर पुलिस अब अजमेर में कविता और मनीष तक पहुंचने की लीड तलाश रही थी, लेकिन पारुल की हत्या क्यों और किन हालात में हुई, इस हत्या का मोटिव क्या था, क्या कविता को पता चल गया था कि पारुल राजेंद्र की पहली पत्नी की बेटी है? लेकिन अगर कविता को किसी के साथ भागना ही था तो उसे राजेंद्र और पारुल के रिश्ते से क्या फर्क पड़ता था? ऐसे कई और पहलू इस केस से जुड़े थे जिनके समीकरण जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। पारुल की डेड बॉडी मनीष के घर से मिली, तो क्या पारुल की हत्या मनीष के घर पे हुई? और अगर ऐसा है तो सवाल ये उठता है कामत कि जो लड़की मुंबई में ज्यादा लोगों को जानती तक नहीं, वो अपनी सौतेली माँ के लवर के घर पे क्या करने गई, जबकि उसका फोन 5:30 तक उसके घर वाले एरिया में एक्टिव था। सर ये भी कंफर्म है कि कविता शाम 6:00 से 7:00 तक ब्यूटी पार्लर में थी, और मनीष का घर गोरेगांव में, तो हो सकता है कि मनीष ने उस पीसीओ से शाम 7:00 कविता को कॉल किया, और कविता भी 7:00 के बाद मनीष के घर पे गई हो। अब सवाल ये उठता है सर कि पारुल खुद मनीष के साथ उसके घर पे गई या कविता चालाकी से उसे अपने साथ वहां पर ले गई। ये दोनों पॉसिबिलिटीज तो हैं, पर शाम 5:30 पारुल का फोन मलाड में बंद होने का चक्कर भी समझना होगा सर। क्या पारुल का मर्डर कविता को उस पीसीओ से फोन आने से पहले हुआ या कविता के ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद? सवाल ये भी उठता है कामत कि अगर उस दिन अजमेर की ट्रेन में मनीष, कविता और आयुषी तीनों के टिकट बुक थे, तो फिर ये दोनों आयुषी को अपने साथ लेके क्यों नहीं गए? आयुषी अजमेर क्यों नहीं गई और पारुल मनीष के घर कैसे पहुंची? ये समझने के लिए हमें पारुल और कविता की इक्वेशन को समझना होगा। सिर्फ बाहर वालों से ही नहीं,
आयुषी से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। बेटा आपको पारुल दीदी अच्छी लगती थी और आपकी मम्मा? अंकल कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आपकी पारुल दीदी और आपकी मम्मा दोनों फ्रेंड्स थे, ये इतना डरी हुई क्यों है? जब से पारुल लापता हुई और इसकी माँ भा तभी से सदमे में है साहब। सर मुझे नहीं पता ये कविता की स्टेप डॉटर थी। हाँ लेकिन एक दो बार इसे मैंने कविता का पीछा करते हुए देखा था। सर कविता के ब्यूटी पार्लर के कलीग आयुषी के ट्यूशन टीचर और कुछ पड़ोसियों ने बताया कि पिछले दिनों पारुल को कविता की जासूसी करते हुए देखा गया। सर उनके बयानों से तो लगता है कि पारुल कविता की जासूसी कर रही थी और शायद कविता का पीछा करते करते वो उस रात मनीष के घर पे पहुंची। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पारुल कविता के अफेयर्स का फायदा उठा के कविता या उसके लवर्स को ब्लैकमेल कर रही हो? लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कामत कि पारुल ये सब कर क्यों रही थी या फिर उससे ये सब कोई करवा रहा था। साहब हमने पारुल से बोला था कि कविता पर नजर रखे और पता लगाए कि उसका किस किस के साथ चक्कर। उसके चक्कर के बारे में पता लगा के क्या करने वाले थे? तलाक देना चाहते थे। तलाक तो वैसे भी दिया जा सकता है, उसके लिए जासूसी करवाने की क्या जरूरत थी? हम नहीं चाहते थे कि कोर्ट उस त्रिया चरित्र को मां समझकर हमारी आयुषी उसे सौंप दे। हम अपनी पारुल और आयुषी का पालन पोषण खुद करना चाहते थे, इसलिए उसके खिलाफ सबूत जुटाकर तलाक देने की सोची। क्या क्या सबूत जुटाए? कोई सबूत नहीं। पारुल की हत्या से कुछ दिन पहले ये बेवकूफ ख्याल हमारे दिमाग में आया। हम तो पछता रहे हैं कि वो अपने बच्चे को उस डायन की जासूसी में लगाया। खा गए हमारे बच्चे को, खा गए। पारुल के पिता ने भले ही अपनी मंशा साफ कर दी थी लेकिन उनका ये बयान इस बात की पुष्टि कर रहा था कि पारुल कविता की जासूसी कर रही थी और ये इस केस में एक चौंकाने वाला एंगल था और ये एंगल इस केस को एक ऐसे टेंजेंट पर ले जाने वाला था जिसमें छल कपट झूठ फरेब नफरत इंसानी जज्बात का हर वो नेगेटिव इमोशन था कि जिसका रंग अगर किसी पर चढ़ जाए तो रिश्ते क्या इंसानियत की हदें भी लांघ दी जाती हैं। कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा भी काफी होता है लेकिन जो खुद अपनी नाव में छेद करे उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। सर अजमेर पुलिस ने मनीष को अजमेर के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया है लेकिन उसके साथ कविता नहीं थी। लेट्स गो। सर कविता कहाँ है मुझे नहीं पता, वो मेरे साथ अजमेर नहीं आई है। तू क्या सोचता है कविता को बचा के मर्डर चार्ज से बच जाएगा? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया। सर पारुल की बॉडी तेरे घर से मिली है, उसका फोन भी तेरे पास से मिला है। सर ये फोन कविता ने मुझे दिया था, उसी ने मारा होगा पारुल को। सर सर उसकी साजिश है मुझे फंसाने की। सर सर मेरे घर की चाबी भी उसी के पास रहती थी। घर तो उसने कईयों के उजाड़े हैं, तूने उसमें ऐसा क्या देखा जो तेरे घर की चाबी उसने अपने पन्नू में बांध ली? सर मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और राजेंद्र एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन, मेरे उठाए हुए ठेकों पे मेरे अंडर काम करता था। मुझे हैरानी होती थी सर कि उसकी वाइफ उससे 18 साल छोटी है लेकिन सर मैंने कभी उस पर कोई चांस नहीं मारा। सर शुरुआत उसने की थी। क्या कर रहे? नहीं वो तो नहीं है लेकिन आप अंदर आइए ना। नहीं मैं चलता हूँ। अरे नहीं आइए तो प्लीज आइए। खूबसूरती में ऐसा बहका कि को संभाल नहीं पाया। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी, तब उसने बताया कि राजेंद्र उसे मारता था, उस पर शक करता था। कुछ दिन पहले मुझे अजमेर से एक जॉब ऑफर हुई तो मनीष देखो ना कितना छोटा सा गंदा सा घर है, मुझे नहीं रहना इस घर में।
तुम मुझे अपने साथ अजमेर ले चलो ना प्लीज। लेकिन राजेंद्र का क्या? मुझे नहीं रहना उस खड़ूस के साथ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सच? हमारे अजमेर जाने का प्लान तो अगले महीने का था, लेकिन उस दिन अचानक उसका कॉल आया। हाँ बोलो। मनीष हमें आज रात ही अजमेर जाना होगा। आज रात? सवाल मत करो और जल्दी से पैकिंग करके मुझे फोन करो। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मैंने पैकिंग की और उसे कॉल किया, वो घर आके बोली कि मनीष तुम जाओ, मैं तुम्हें अजमेर में मिलूंगी। लेकिन तुम तो सवाल मत करो, राजेंद्र को पता लग गया है कि हम दोनों भाग रहे हैं। पता लग गया मतलब कैसे पता लग गया? राजेंद्र ने अपनी बेटी पारुल को हमारी जासूसी में लगा रखा है। उसके फोन में हमारी फोटोज भी हैं। वो यहीं आ रहा है, तुम प्लीज जल्दी से निकलो। और तुम कैसे आओगी? उसने आयुषी को कहीं छुपा दिया है। मैं कैसे भी करके आयुषी को लेकर अजमेर पहुंच जाऊंगी, लेकिन तुम जाओ, वो यहीं आ रहा है। अगर तुम दोनों का सामना हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, ये फ़ोन मुझे दे दो, वो मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं तुमसे कॉन्टैक्ट कैसे करूँगा? अरे पारुल का मोबाइल दिया ना मैंने तुम्हें, लेकिन अभी ऑन मत करना, अजमेर पहुँच कर ही फ़ोन करना। और मैं तुम्हें ये एक नंबर दे रही हूँ, इस वाले नंबर पर कॉल करना, लेकिन मेरे फ़ोन पर बिल्कुल कॉल मत करना। ये नंबर किसका? ये मेरा नया नंबर है। इस नंबर पे कॉल करने के लिए बोला था सर। फोन दीजिए। सर ये तो वही नंबर है। तो कविता ने तुझे कहा कि ये उसका नया नंबर है, तेरा फोन उसने लिया और उसने तुझे ये पारुल का फोन थमा दिया। यस सर। लेकिन इस फोन में तो कोई फोटो नहीं है। सर कविता ने डिलीट कर दिए होंगे, मैंने तो देखे तक नहीं। अजमेर आने के बाद फोन ऑन किया और अपने नंबर पे कॉल किया तो फोन बंद था। फिर कविता के नए नंबर पे कॉल किया तो राजेंद्र ने फोन उठाया। फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो भी राजेंद्र ने उठाया। तो उसके बाद से मैंने फोन बंद ही कर दिया था। पीसीओ से कई बार अपने नंबर पे और कविता के पुराने नंबर पे कॉल किया तो दोनों नंबर बंद थे सर। अगर कविता तेरे साथ नहीं आई तो फिर टिकट आयुषी, कविता और तेरे नाम पे बुक क्यों किया था? सर टिकट तो मैंने तभी बुक करा ली थी जब कविता ने अजमेर भागने की बात कही थी। लेकिन सर उस टिकट पे मैं अकेले ही अजमेर आया, ना मेरे साथ कविता थी ना आयुषी थी। उषा बहन, अच्छा हुआ आप मिल गई। आयुषी को अपने पास रख लेंगी, मुझे किसी काम से जाना है। क्यों, आया कहाँ गई? मैंने उसे निकाल दिया, मैं इसे जल्दी आकर ले जाऊंगा। अच्छा बेटा, सर जिस ट्रेन से मनीष अजमेर गया था उस ट्रेन के टीटी से बात हुई, उस टिकट पर मनीष अकेला अजमेर गया था और अजमेर के गेस्ट हाउस में भी वो अकेला रुका था। ना तो वहां कविता को देखा गया और ना ही अजमेर में कहीं भी कविता के देखे जाने का क्लू मिला है सर। सर अगर मनीष सच बोल रहा है तो उसके बयान से ये क्लू मिलता है कि कविता को पता चल चुका था कि पारुल राजेंद्र की पहली बीवी की बेटी थी। राजेंद्र ने अपनी बेटी पारुल को हमारी जासूसी में लगा रखा है। और राजेंद्र ने भी बताया था कि वो पारुल से कविता की जासूसी करवाता था। कविता का मोबाइल पारुल के हाथ लगा तो हो सकता है कि कविता के हाथों पारुल का मर्डर हो गया हो। पर सवाल ये उठता है कामत कि क्या कविता ने मनीष को अजमेर सिर्फ इसलिए भगाया क्योंकि वो पारुल की लाश को उसके घर में ठिकाने लगाना चाहती थी? अगर ऐसा है तो ये काम अकेली औरत के बस का नहीं लगता। सर हो सकता है उसका साथ उसके किसी आशिक ने दिया हो और मनीष को फंसा कर वहां से उसके साथ निकल गई हो। यह भी हो सकता है कि कविता कहीं भागी ना हो बल्कि पारुल की हत्या के बाद वो राजेंद्र के बदले की शिकार बन गई हो। कामत बोरीवली पुलिस से पता करो, जिस लड़की की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी उसकी पहचान हुई? सर पारुल के पिता के बारे में कुछ बातें पता चली है। hmm.
सर वो औरत वही है जिसे पारुल के पिता ने आयुषी की आया बना के रखा था। राजेंद्र ने इस औरत को बोरीवली के एक लॉज के बाहर से रिसीव किया था और कुर्ला स्टेशन से बिहार की ट्रेन में बिठा दिया। डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया कि वो लाश राजेंद्र की दूसरी बीवी कविता की ही थी। साहब 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 साहब, हमने कविता को नहीं मारा, हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं साहब। कैसे यकीन करें तेरा, तेरी पहली बीवी मर चुकी है ना किशोरी। जीते जी तूने अपनी पहली बीवी को स्वर्गवासी बताया और तूने हमसे एक नहीं कई झूठ बोले हैं। तूने हमसे यह भी छुपाया कि कविता तेरी साली थी। कविता जैसी भी थी हमें पता चल गया है, लेकिन यह भी सच है कि 8 साल पहले तो अपनी बीवी और बेटी को छोड़कर कविता को मुंबई भगा के लाया था। वो हमारी जिंदगी की ऐसी गलती थी जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे, लेकिन यह भी सच है कि कविता ने गांव से मुंबई आने के लिए हमारा सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। वो मुंबई हमारी बीवी बनकर तो आ गई, लेकिन मुंबई की चकाचौंध के सामने उसे हमारी हैसियत बहुत छोटी लगी और अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए ना जाने कहां कहां मुंह मारने लगी। अगर आज के बाद तूने मेरी बीवी से बात की ना तो साले मार दूंगा तुझे। हमें यह एहसास होने लगा था कि वो सुधरेगी नहीं, लेकिन गलती सिर्फ कविता की नहीं थी, हमने भी 8 साल पहले यह गलती की थी और हमें भी अपनी गलती का धीरे धीरे एहसास होने लगा था। बेटा हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर अपने दुनिया में मस्त हो गए। हमें एक मौका दे दो, हम तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाएंगे। बच्चे को मत फुसलाओ समझे ना, पहले उस कुलचनी को अपनी जिंदगी से दूर फेंको, फिर हम समझेंगे कि तुम्हें अपने किए पे पछतावा है। हम उसे छोड़ देंगे सरला, लेकिन हम आयुषी को अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर तुझे आयुषी की इतनी फिक्र होती तो अपने अपराधों पर पर्दा नहीं डालता। पारुल की मौत का जिम्मेदार भी तू ही है, क्योंकि तू उससे कविता की जासूसी करवाता था। तू ये भी जानता था कि कविता और मनीष भागकर अजमेर जाने वाले हैं। तूने ही आयुषी को नजरबंद करके रखा था, इसकी वजह से कविता के हाथों पारुल का मर्डर हुआ। और इतना कुछ होने के बावजूद तू हमारे पास नहीं आया, कविता की जान के पीछे पड़ गया। तेरा बस चलता तो तू मनीष को भी मार देता। नहीं साहब, नहीं। तूने उसे मारा नहीं, लेकिन पारुल की लाश को उसके घर में ठिकाने लगाया। नहीं साहब, उस दिन तो हमने पारुल की शक्ल तक नहीं देखी थी। हमें तो यह भी नहीं पता था कि मनीष और कविता के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। फिर हमें यह कैसे पता होता कि वो भागकर अजमेर जाने वाले हैं। तो अब तू यह कहेगा कि तूने कविता को भी नहीं मारा? उसे हमने मारा है, इन्होंने नहीं। और अगर हमारा बस चलता तो उस कलमुही को 8 साल पहले ही मार देते। फोन नहीं उठा रही है। अगर मेरी पारुल को कुछ हुआ ना तो देख लेना मैं तुमको क्या करती हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, शांति रख, मिलाता हूँ। हेलो, हम बिजी हैं अभी। पारुल कहाँ है? हमें क्या पता, झूठ मत बोल। ए कविता बता, पारुल कहाँ है? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कौन बोल रहा है? ज्यादा नाटक मत कर समझी ना, तू अच्छे से जानती है कौन बोल रहा है। दीदी ज्यादा दीदी दीदी मत कर, अगर 1 घंटे में हमारी पारुल नहीं आई ना तो देख लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा अब तू सो जा। जी मम्मा के पास जाना है, ले चलो ना। मम्मा के पास ले जाएंगे, मैं तुम्हारी मम्मा को यहीं लेकर आऊंगा। हाँ सो जा मेरा अच्छा बच्चा, सो जा सो जा। कहाँ है मेरी बेटी आयुषी? पहले पता मेरी बेटी पारुल कहाँ है। अरे हमने कहा ना हमें नहीं पता। अरे ऐसे कैसे नहीं पता, तुझे पता मेरी बेटी पारुल कहाँ है? हमें नहीं पता। कविता सच बता दे। झूठ तो आप लोगों ने हमसे बोला है। आखिर ले आए ना दीदी और पारुल को यहाँ पर, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने। अरे ऐसी कैसे जाएगी, पहले बता मेरी बेटी पारुल कहाँ है, तेरी बेटी को जिंदा काट दूंगी समझेगा? नहीं पता मुझे। अरे ऐसी कैसे नहीं पता, पता जल्दी मेरी बेटी को। मुझसे मेरा पति जीने की ना। सरला पिछले 8 सालों से हमारी गलतियों का बोझ ढो रही है, अपनी गलतियों की सजा उसे कैसे भुगतने देते साहब? लेकिन हमें तो तब तक ये भी नहीं पता था कि हमारी पारुल जिंदा है भी या नहीं। हमने आपसे अब तक बहुत सारे झूठ बोले, इस बार सच बोले। आप यकीन कीजिए साहब, सच बोले।
सर अगर राजेंद्र सच बोल रहा है तो क्या मनीष ने हमसे झूठ बोला या कविता ने मनीष से झूठ बोला? झूठ तो हमसे अंकित ने भी बोला था। सर मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन पारुल के पापा मेरे सामने गड़गड़ाने लगे कि उनके मुंह से झूठ निकल गया। लेकिन सर मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि पारुल की मम्मी ने पारुल की छोटी मम्मी का मर्डर कर दिया है। पारुल कविता की जासूसी करती थी, इस बारे में पारुल ने कभी कुछ बताया नहीं? नहीं सर मुझे तो नहीं पता इस बारे में कुछ। तू उसका मंगेतर था, अक्सर उससे मिलता रहता था, कभी कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया? नहीं सर मैंने पारुल को कभी उसकी छोटी मम्मी कविता की जासूसी करते हुए नहीं देखा। पर हाँ एक बार हम कैफे में थे और वहां पर हमने कविता को देखा था एक आदमी के साथ, और सर वो आदमी उसे पैसे भी दे रहा था। कौन आदमी? मुझे नहीं पता सर, मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा। इनमें से था कोई? हाँ शायद से ये आदमी था सर। ये सब पारुल के पिता ने बताया था कि पारुल कविता की जासूसी तो करती थी, लेकिन उसने कभी कविता के खिलाफ उसे कोई सबूत नहीं दिए। और सर जैसा कि अंकित ने अभी भी बताया कि कोई आदमी कविता को पैसे दे रहा था, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता ने पारुल को अपने साथ मिलाकर अपने लवर्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया? सर मुझे किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया सर। सर मैं आज तक पारुल से मिला ही नहीं, तो उसका मर्डर कैसे करूंगा सर? शिर्के सर 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 मैं सच कह रहा हूं सर। अंकित के बयान ने पुलिस के सामने जो एंगल रखा, उसकी पुष्टि के लिए पुलिस अब कविता से जुड़े उन सभी आदमियों से पूछताछ करने लगी जिनके साथ कविता का अफेयर था, और जल्द ही इस राज से पर्दा उठ गया। सर कविता जिस ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी वहां के लैंडलाइन नंबर से अंकित को एक बार कॉल हुआ था, और हत्या वाली रात अंकित ने अपने डेबिट कार्ड से बैग शॉप से एक बड़ा बैग खरीदा था। मतलब उसकी शान पट्टी उसी में भारी पड़ गई। सर नहीं 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 मैं अब बोलेगा या तोड़े? बोलता हूं साहब। अरे पारुल तुम यहां? दोस्त है तुम्हारा, मुझे नहीं मिलवाओगी? पारुल ने कविता से झूठ बोला था कि मेरी और पारुल की मुलाकात मुंबई में हुई थी। सर पारुल क्या उसकी जासूसी करती, वो खुद दो कदम आगे थी, कविता खुद पारुल की जासूसी कर रही थी। नौकरी ढूंढ ली है? यार नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मिल जाएगी जल्दी। अच्छा ठीक है, तुम नौकरी ढूंढो, तब तक हम अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगे और उसके बाद शादी कर देंगे। तब तक मेल मुलाकात सिर्फ दिन, ठीक है? अच्छा। हम चलते हैं। ठीक है। लगता है काफी पुराना है यार आना तुम्हारा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। अरे तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? वैसे मैं गेटवे ऑफ इंडिया जाने का सोच रही हूँ, तुम अगर चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। सही में? तुम चलो ना, इतना सोचने वाली क्या बात है। ऑटो ऑटो। सर पता नहीं उस औरत में ऐसा क्या जादू था, उससे दो मुलाकात के बाद ही मैं पारुल को भूल गया, और उसे राज भी नहीं छुपा पाया कि पारुल के पापा उसे छोड़कर पारुल और पारुल की मम्मी को घर लेके आ रहे हैं। मेरा और कविता का रिश्ता भी पारुल की नजरों से नहीं बच सका। कोई आया एक सेकंड। आखिर तूने दिखा दिया ना कि हर मार देख जैसा होता है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कमी। पारुल हे पारुल पारुल उठना। डरो मत, जैसा कह रही हूं वैसा करो, ना तुम फंसोगे और ना हम। हम मनीष को घर से निकालते हैं, तब तक तुम सारी तैयारी करके रखो और हमें मनीष के घर के बाहर मिलो।
तुम जाओ, मैं तुम्हें अजमेर में मिलूंगी। लेकिन तुम तो सवाल मत करो, राजेंद्र को पता लग गया है कि हम दोनों भाग रहे हैं। सलाखों के पीछे होते हैं उन्हें जिंदगी भले ही नसीब हो जाए, पर उनका पश्चाताप किसी श्राप से कम नहीं होता। और अपराध की गाज जब बेकसूरों पर गिरती है तो किसी की सांत्वना भी उस मासूम को दिलासा नहीं दे सकती। यूं तो हम सबको एक ही जिंदगी मिलती है, लेकिन इस एक जिंदगी में हम कई जिंदगियां जीने की सोचते हैं। एक सपना पूरा होता है तो दूसरे सपने में जीने लगते हैं, एक रिश्ते से मन भर जाता है तो दूसरा रिश्ता जोड़ने की सोचते। माना कि जिंदगी हर रोज नए बदलाव लाती है, लेकिन अगर हमारा आज सच्चा नहीं है तो आने वाला कल कभी बेहतर नहीं हो सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi Crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.